भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मंगलवार को पहला वनडे पूरे तरीके से कंगारुओं के नाम रहा। कंगारुओं ने भारतीय टीम को इतिहास की सबसे हार और सबसे बड़ी हार हराई। जी हाँ, बता दें आपको कि भारतीय टीम को 255 रनों पर समेटने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जने पर नमक छिड़कते हुए 10 विकेट से भारतीय टीम को रौंद दिया और भारतीय टीम को बुरे तरीके से हराया। एशिया में ये भारत की सबसे बड़ी हार। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम की हार तो शुरुआती 5 ओवरों में ही तय हो गई थी, जब शिखर धवन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे। शिखर धवन अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे थे, वहीं रोहित शर्मा एक सीरीज के गैप के बाद मैदान पर वापसी कर रहे थे। ऐसे में धवन 15 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर खेल रहे थे, जिसके बाद दबाव पूरे तरीके से रोहित पर बना और रोहित बार बार धवन को डिस्कस करने के लिए आने लगे। इसके बाद रोहित का कॉन्सेंट्रेशन टूटा और रोहित ने अपना विकेट फेंक दिया। बता दें आपको कि भारतीय पारी में रन काफी धीमी गति से आ रहे थे, जिसका प्रेशर पूरे तरीके से हिटमैन पर पड़ा और हिटमैन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की, जिसमें वो शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए, जिसके बाद भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल पाई। हालांकि धवन और राहुल ने मैच को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी मैच को बचा नहीं पाए और भारतीय टीम 255 पर ढेर हो गई। जवाब में वार्नर और फिंच दोनों के शतक से भारतीय टीम को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। अब देखना है कि भारतीय टीम दूसरे वनडे में कैसे वापसी करती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।